हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई आप लोगों के साथ चूड़ीदार पजामे की चूड़ीदार लेडीज़ चूड़ीदार पजामे की ड्राफ्टिंग लेके। तो ये चूड़ीदार पजामे की ड्राफ्टिंग है जो लेडीज़ लोग पहनती हैं, लड़कियाँ मतलब लेडीज़ वगैरह की पहनने की चीज़ है। तो मैं बिना देर करते हुए ड्राफ्टिंग आप लोग को करके दिखा रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये भी 1/6 से बना हुआ है और इसमें हमें मात्र इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। जिस भी व्यक्ति की आप बनाइए तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि लंबाई हमें इतनी लेनी है, हिप हमें इतना लेना है और बॉटम हमें इतना लेना है। तो ये तो नॉर्मल जिसका भी हैगा, मतलब ये तो आप लोग को कॉपी में करके दिखाने के लिए मैंने ये करके कर रखा है, पर आपको जिस भी व्यक्ति का बनाना हो उसका ये चीज़ तीन चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये सामने आप लोग को ड्राफ्टिंग दिखाई दे रही है और ये थ्योरी दिखाई दे रही है कि तो ये 2 मीटर में ये सलवार पूरी कंप्लीट हो जाती है, मतलब चूड़ीदार सलवार कंप्लीट हो जाती है। तो ये थैले वाली सलवार हैगी जो मतलब कपड़े पे कटती है तब भी कुछ ज़्यादा मतलब समझ में आती है, पर ये मैं ड्राफ्टिंग समझा रही हूँ तो मैं ड्राफ्टिंग के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग मैं इस पर आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आएगा मतलब, पर आप लोग कपड़े पे करके समझेंगे तो ज़्यादा इसको समझ में आ गया थैले में। तो मैं वो भी करके आप लोग को बाद में बताऊंगी, पर जो जिस थीम पे जिस हिसाब से मैं कर रही हूँ एक बाई एक उसी हिसाब से मैं आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बिना देर करते ये ड्राफ्टिंग आप लोग को समझा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, इसमें लिखा है बन साइड और दूरी की लंबाई। तो बन साइड मतलब ये बन साइड है, ये खुली साइड है, मतलब ये हिस्सा नहीं खुलेगा और ये हिस्सा खुलेगा, मतलब ये हिस्सा स्टिचिंग होगी, ये हिस्सा स्टिचिंग नहीं। तो इसमें 60 इसकी जिस भी व्यक्ति की लंबाई है उसमें उस व्यक्ति की लंबाई 40 है, मतलब उसने 40 मांग रखी है। तो इसमें हमें 20 और प्लस कर देना है, किस लिए, चुन्नटों के लिए। तो ये मैं 1/6 से बना रही हूँ, ठीक है। तो ये स्केल का ध्यान रखिए 1/6। तो ये आपका दिया हैगा 40, ठीक है। तो इस पेज में मेरी थोड़ी कमी है, पर जितना भी है उतना मैं आप लोग को करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितना भी लंबाई हो उसके अकॉर्डिंग आप उसके आगे का हिस्सा ले सकते हैं। और हमें 18 ये लेनी है कमर का हिस्सा, मतलब हिप के पास, ठीक है। 18 ये लेनी है। अब मैं इसको इसके स्केल के द्वारा दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, चूड़ीदार पजामे भी बहुत तरीके के बनती है, पर सबका थीम और मेथड यही है कि मतलब इस इतना इतना ही लेंगे आप तभी आपका आपकी सलवार अच्छे से तैयार होगी, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा। वैसे तो चूड़ीदार पजामियाँ बहुत तरीके से बनाई जाती है, ठीक है, पर मैं आप लोग को सिर्फ ड्राफ्टिंग इसमें समझा रही हूँ, तो मैं ड्राफ्टिंग ही आप लोग को बताना चाहती हूँ। ये भी हमारा 18 ही होगा, ठीक है। तो ये ड्राफ्टिंग है कॉपी के अकॉर्डिंग, तो मैं आप लोग को ड्राफ्टिंग ही बता रही हूँ, ठीक है। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना भी हमारा है ये यहाँ तक ले इसकी लेंथ लेंगे और इसके बाद जो है हमारी चुन्नटे ये इसके आगे की चुन्नटे यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ से इसका तो हमें यहाँ पे 14 पे निशान देना है, फिर इसका हाफ कर लेना है, जितना भी हो इसका हाफ कर लेना है। तो ये हमारा हाफ यहाँ हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे कितना लेना है, यहाँ पे हमें लेना है 7 मोहरी का हाफ, उसमें 2 प्लस करना है, तो हमें लेना है 7। तो हम ये 7 ले लिए, फिर उसके बाद ले लेना है मोहरी का हाफ, इसमें मोहरी का हाफ लेके 2 प्लस करना था, इसमें सिर्फ मोहरी का हाफ ही लेना है। तो मोहरी का हाफ ले लिया हमने कितना, 6। अब ये मेरे कपड़े की थोड़ी कमी हो गई है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चुन्नटे ज़्यादा है यहाँ पे, तो मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है पेपर का, पर जितना भी है उतना मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, ठीक है। अब मैं इस स्केल के द्वारा इसको मिला रही हूँ, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। तो ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस जो ये जितना भी हुआ उसका हमें हाफ लेना है, तो हमारा ये जितना भी हुआ उस स्केल के ड्राफ्टिंग स्केल के द्वारा, ठीक है। तो अब जितना भी होगा उसका हमें हाफ लेना है, ठीक है। ये हमारे हाफ हमें लेना है, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी हमें गोलाई कर देनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसे हमें गोलाई कर देनी है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ, ये हमारी चुन्नटे हैं, ठीक है,
ये हमारे चुन्नटे हैं, जितने भी चुन्नटे आप एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं। और ये हमारा हिप बराबर हाफ प्लस मोहरी, मोहरी प्लस हाफ बराबर 18, ठीक है। और ये हमारा हिप का डेढ़ एक बराबर 18, ठीक है। और ये हमारा हिप का आधा प्लस 18, ये भी 18 लेना है। और ये भी हमारा हिप का, हिप हिप का हाफ हाफ बराबर ये भी 18 ही लेना है, ठीक है। और ये 2, और ये मोहरी का हाफ प्लस 2 बराबर 7, और ये मोहरी का, मोहरी का हाफ प्लस 1 तो बराबर 6, ठीक है। और ये हमारी क्या बोलते हैं, जितनी भी लेंथ है आपकी ली गई है, तो लेंथ में जैसे हमारी लेंथ 40 है तो उसमें प्लस कर दिया 20, 20 हमने किस लिए प्लस किया, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, तो हमारा पूरा हो गया 16। तो उम्मीद होगा कि ये जो पजामी की, चूड़ीदार पजामी की, एक मिनट, चूड़ीदार जो पजामी है उसकी ड्राफ्टिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। और जिन दोस्तों अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आपको एक बार एक सब चीज़ की ड्राफ्टिंग आप लोगों को बता रही हूँ, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।